माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ, सम्मानित मंच को प्रणाम करती हूँ और बहुत ही शानदार संचालन कर रहे हमारे कमलेश राजहंस जी को प्रणाम करती हूँ। बहुत बार से ये बातें हो रही थी, इनका नाम कमल कमल आ रहा था और इन्होंने तुरंत कहा नहीं मैं कमलेश हूँ। वास्तव में हालांकि हर जगह कमल कमल ही दिख रहा है तो शायद इसलिए बार बार कमल ही कमल आ रहा था। एक बार ज़ोरदार तालियां बजाइए। अच्छा, मैं प्रयागराज से आई हूँ। नीरज जी ने मुझे फ़ोन किया और कहा मैं प्रयागराज वासियों से बड़ा घबराया रहता हूँ। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? तो कहे वहीं से हम और मेरे साढ़ू दोनों ठगे गए हैं, इस वजह से डर लगता है। अच्छा, ये ठाकुर हैं, मुझे इनकी एक बात बहुत अच्छी लगती है। इन्होंने एक बार जो कमेंटेड कर दी, जो कह दिया तो वो कह दिया। ये मुझसे 5 साल पहले मिले थे। मैंने पूछा भैया आपकी उम्र क्या है? तो कहे 40 साल। मैं इनसे 3 साल बाद फिर मिली। मैंने कहा भैया आपकी उम्र क्या है? कहे 40 साल। मैं आज फिर इनसे मिली, भैया आपकी उम्र क्या है? बोले 40 साल। मैंने कहा ये 40 से बढ़ क्यों नहीं रहा है? कहे भाई ठाकुर हूँ, जुबान दे दी तो दे दी। नहीं, बात तो सही है। पुरुष से अगर उम्र की बात करें तो ठीक है। आप इनसे उम्र क्यों पूछ रही थी, हमारी समझ में नहीं आ। वैसे देखा जाए तो रिश्ते में हमारे जीजा लगेंगे, तो ये भाई देखना पड़ता कि साथ चलना होगा तो कैसे लगेंगे। थोड़ा सा देख रही थी इसी वजह से। आइए, मैं अपने क्रम पर उपस्थित हूँ। मंच बहुत अच्छा और बहुत समृद्ध है। वास्तव में कमलेश जी ने इसे, इन्होंने कहा ना कि अभी ये मेरे योग्य नहीं हुआ है, तो उस मंच के योग्य इन्होंने इस मंच को बना दिया है। हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। आपके संचालन में शायद पहली बार पढ़ रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा आपसे मिलकर भी, हालांकि हम लोग को एक बार मुलाकात हो चुकी है। वहाँ मैंने आपका काव्य पाठ सुना था, बहुत ही सदे हुए कवि हैं। मैं अपनी बात प्रारंभ करती हूँ। यहाँ बहुत सारे बुजुर्ग भी बैठे हुए, 4 पंक्तियाँ। ऐसा बंदा जी कि पहली बार आप मेरे संचालन में कविता पढ़ रही हैं, आप मुझे अपने घर ले चलिए, घर का भी संचालन मैं बहुत अच्छा करता हूँ। वैसे इनको देख लीजिए कि जो आधी रात को बगल में यहाँ बैठकर संचालन कर रहा हो वो अपने घर के संचालन कैसे करता होगा। लेकिन 4 पंक्तियाँ मैं इनको दे देती हूँ। बहुत अच्छे भाई, वाह। कि जिधर दिखी तितलियाँ उधर जाएंगे, जिधर दिखी तितलियाँ उधर जाएंगे, विरक्त हो प्रेम से किधर जाएंगे, और संतों का वेश धरे ये ऐसे ब्रह्मचारी हैं जो ब्रह्म को भी चर जाएंगे। बात समझ आई तो पीछे तक तालियां बजाए। पीछे लोग सुन बहुत अच्छा रहे हैं लेकिन आपकी प्रतिक्रिया हम तक नहीं पहुंच रही है, तो ऐसे बिल्कुल हवा में हाथ लहराकर आप बजाएंगे तो हम लोग को पता चलेगा और आपकी तालियां हमें ऊर्जा देती हैं। आइए बात प्रारंभ करती हूँ जहां से पढ़ना जी, था जी। कि सुख समृद्धि, सुख समृद्धि प्रसन्नता की बेल को काट देते हैं। बहुत अच्छे भाई। सुख समृद्धि प्रसन्नता की बेल को काट देते हैं, जिसने बोलना सिखाया उसे ही डांट देते हैं। जब आप दूसरी लाइन इतना समझे तो चौथी तक तो पता नहीं कहाँ तक पहुंच जाएंगे। सुनिएगा कि सुख समृद्धि प्रसन्नता की बेल को काट देते हैं, जिसने बोलना सिखाया उसे ही डांट देते हैं, और आज हम अपने थोड़े से स्वार्थ के खातिर घर आंगन दालान क्या माँ बाप को भी बांट देते हैं। माँ बाप, ऐसे में प्रेम लिखने, प्रेम बांटने का प्रयास करती हूँ, क्योंकि हद तो तब हो जाती है जब कहीं हमारे अपने ही हमारी उन्नति से चिढ़ने लगते हैं। तब कहती हूँ कि अपनों की उन्नति देख मन झुलस जाता है, अपनों की उन्नति देख मन झुलस जाता है, अब कहाँ किसी को किसी पे तरस आता है, और बंटवारा तो तय है, माँ बाप सहमे बैठे हैं, उछालो सिक्का देखे किसके हिस्से में कौन आता है। ऐसे में प्रेम लिखने का, प्रेम बांटने का प्रयास करती हूँ, क्योंकि विषय प्रेम हो तो हर कोई शरीक हो जाता है,
विषय प्रेम हो तो हर कोई शरीक हो जाता है, मोहब्बत हो जाने पर व्यक्ति निर्भीक हो जाता है, और देखकर हुस्न वालों के रंग रूप को बुजुर्गों का मोतियाबिंद भी ठीक हो जाता है। बहुत अच्छा, आप सुन रहे हैं, कुछ तरन्नुम से पढ़ने का प्रयास करती हूँ। देखो ऐसा है ना कि अगर किसी 80-90 साल के बूढ़े का जनाजा जा रहा है और उसकी बगल से कोई खूबसूरत महिला अगर निकल रही है ना, तो बूढ़ा भी वाइब्रेशन मूड में हो जाता है। जो ये प्रकृति का शाश्वत सत्य है, इस पर आप कुछ मत कहिए, क्योंकि मेरे उम्र की गवाही कबूल मत करना, मेरे जवान उम्मीदों को धूल मत करना, मेरे जिगर में रूप रस की प्यास है जब तक, मुझे बुजुर्ग समझने की भूल मत करना। गर दिल के महल में कोई बस जाता है, तो मन के दर्पण को कहाँ कुछ और भाता है। और ये बात बिल्कुल सत्य तथा प्रमाणित है कि प्रेम करने वालों को बुढ़ापा नहीं आता है। बहुत अच्छे भाई, आइए कुछ पढ़ती हूँ, तरन्नुम से पढ़ने का प्रयास करती हूँ, सुनिए। होठ फफके मगर खुल के रो ना सके, होठ फफके मगर खुल के रो ना सके, याद आई तेरी इतनी सो ना सके, और प्रेम रंग मेरी चूनर पे ऐसा चढ़ा, प्रेम रंग मेरी चूनर पे ऐसा चढ़ा, लाख चाहा मगर उसको धो ना सके, लाख चाहा मगर उसको धो ना सके। और ये चार पंक्तियां भी की, जल उठी मन महल की सभी बत्तियां, जल उठी मन महल की सभी बत्तियां, जब वो लिखने लगे प्यार की चिट्ठियां, याद करने लगे वो मुझे डूब कर, याद करने लगे वो मुझे डूब कर, इसलिए आ रही है मुझे हिचकियाँ, इसलिए आ रही है मुझे हिचकियाँ। और प्रेम की पराकाष्ठा देखिएगा, सुने कि चाहतों का ये कैसा नशा छा गया, चाहतों का ये कैसा नशा छा गया, उनसे नजरें मिली तो मजा गया, और दोनों पे फिर कुछ हुआ यूं असर, और दोनों पे फिर कुछ हुआ यूं असर, मैं भी पगला गई वो भी पगला गया, मैं भी पगला गई। अच्छा, जो लोग पगलाए नहीं थे इसीलिए एंटी रोमियो एक्ट लग गया, क्योंकि आप प्रेम में ज़्यादा पागल न हो जाएं, एंटी रोमियो में लगा। और उस समय युवकों की क्या स्थिति थी, चार पंक्तियों में बताती हूँ। एंटी रोमियो की बात नहीं है, आप लोग देश का बड़ा नुकसान कर रहे हैं, आबादी बहुत बढ़ रही है। देखिए अब इनका कमल बोला, सुनिए, जब हम आजाद हुए तो 33 करोड़ थे, इतना टूट करके हम लोगों ने प्यार किया कि आज 1 अरब 44 करोड़ हो गए। ये सब इन्हीं कविताओं का असर है मैडम, आगे बढ़िए, प्रेम की परिभाषा। बिल्कुल बिल्कुल, वही तभी बहुत अच्छी। अब इनके मन की बात करती हूँ, जो इन्होंने कहा कि न दिल से दिल मिलाएंगे न प्यार करेंगे,
ना दिल से दिल मिलाएंगे ना प्यार करेंगे, चाहत के प्रपोजल को ना स्वीकार करेंगे। नमो नमो का नारा जय श्री राम बोल कर, नमो नमो का नारा जय श्री राम बोल कर, सब प्रेमियों का मिल के बंटा धार करेंगे। अभी भी कुछ लोगों के हाथ नहीं खुले, वो बिल्कुल लग रहा कि रजवाड़े जगह हम आए हैं और हाथ यूं के यूं बंधे हैं। तब चार पंक्तियां आपको निवेदित करती हूं, सुनिएगा। कि जिल्ले इलाही बने बैठे हो, सुनाऊं क्या? जिल्ले इलाही बने बैठे हो, कहो सुनाऊं क्या? और मुस्कुराहट नहीं चेहरे पर, गुस्साए हो क्या? जिल्ले इलाही बने बैठे हो, कहो सुनाऊं क्या? मुस्कुराहट नहीं चेहरे पर, गुस्साए हो क्या? और छंद छछंद छल छंद सब सुनकर भी नहीं हंसे, छंद छछंद छल छंद सब सुनकर भी नहीं हंसे, अब पास आकर गुदगुदाऊं क्या? आइए, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आधा कवि बनाने का प्रयास करती हूँ। अब जो मुक्तक पढ़ूंगी उसमें अंत में आएगा जरूरी नहीं, उसको आपको बोलना है समझकर। सुनिएगा। तेज इतना भी चलना जरूरी नहीं, जरूरी नहीं, अब आप बोलिएगा। तेज इतना भी चलना जरूरी नहीं, रवि से ज्यादा चमकना जरूरी नहीं, जिंदगी में हो गम का समंदर भले, जिंदगी में हो गम का समंदर भले, हर घड़ी रंग बदलना जरूरी नहीं, हर घड़ी रंग बदलना जरूरी नहीं। भाई आपको प्रणाम करती हूँ कि कम से कम आपने इतना तो समझ लिया कि ताली कहाँ बजानी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये चार पंक्तियाँ और। कि आस सारी हो पूरी जरूरी नहीं, हो कहानी अधूरी जरूरी नहीं, चाहतों का समंदर है दिल में अगर, चाहतों का समंदर है दिल में अगर, रोज मिलना मिलाना जरूरी नहीं, रोज मिलना मिलाना जरूरी नहीं। और आज का जो प्रेम है, पुराना प्रेम एक और एक एक करना सिखाता था, पर आज का प्रेम ऐसा है कि प्रेम तो बहुत करते हैं तो पर लेकिन मोबाइल का पासवर्ड नहीं बताएंगे। तो ऐसी स्थिति में ये चार पंक्तियाँ प्रेम की। कि आस रंग तेरे रंग जाऊं जरूरी नहीं, रंग तेरे रंग जाऊं जरूरी नहीं, गीत तेरे ही गाऊं जरूरी नहीं, मैं हूँ प्यासी नदी और समंदर है तू, मैं हूँ प्यासी नदी और समंदर है तू, खारी मैं भी हो जाऊं जरूरी नहीं, खारी मैं भी हो जाऊं। और आपके प्रेम को चार पंक्तियां समर्पित करती हूँ। ये अंतिम पंक्ति है? हाँ हाँ। नहीं, चार पंक्ति तो मुझे यहाँ पर बैठी हुई है महक जी, और इनकी खूबसूरत मुस्कुराहट को यदि चार पंक्ति न सौंप पाई तो यहाँ आना अपना सफल नहीं समझूंगी। सुनिएगा। कि डग भूल कर कहीं जाया नहीं करते,
दग भूल कर कहीं जाया नहीं करते, मोहब्बत खुल के जताया नहीं करते। बहुत अच्छे भाई, वाह। दग भूल कर कहीं जाया नहीं करते, मोहब्बत खुल के जताया नहीं करते। और कांटों से भरी है दुनिया ये सारी, कांटों से भरी है दुनिया ये सारी, पगली हर किसी को देखकर मुस्कुराया नहीं करते। और ताली जो बजा रहे उनको चार पंक्तियां कि दो दिलों का सौदा व्यापार थोड़ी है, क्योंकि आप ही लोगों का ये मानना है कि हंसी तो फंसी, तो हम क्यों ना हंसे। चार पंक्तियां सुनिएगा कि दो दिलों का सौदा व्यापार थोड़ी है, नजरें झुकाने से इकरार थोड़ी है। दो दिलों का सौदा व्यापार थोड़ी है, नजरें झुकाने से इकरार थोड़ी है। और माना, माना तुझे देखकर मुस्कुराई थी, माना तुझे देखकर मुस्कुराई थी, पर इसका मतलब प्यार थोड़ी है। बहुत अच्छा, सुनने चलते चलते ये चार पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान लेती हूँ। बहुत अच्छे भाई। कि कहीं अनकहीं बातों का न हिसाब रखना, कहीं अनकहीं बातों का न हिसाब रखना, अपने आप पर विश्वास रखना। और मिलेगी, मिलेगी तुमको भी तुम्हारी मोहब्बत, बस अपना दिल और नीयत साफ रखना। बहुत